दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं फिश कड़ी। और फिश कड़ी बनाने से पहले जो फिश हम लेकर के आए थे उसको साफ कर रहे हैं और ये निकाल लिया है हमने थोड़ा सा बेसन। तो हम जिसको डालने वाले हैं बेसन, नमक, हल्दी, नींबू, इस सबको देखिए अब किस तरीके से इसके साथ इस फिश में हम मिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं हल्दी। ये देखिए हमने हल्दी को डाला और अब इसको ताकि ये अपना पौष्टिक छोड़ दे और स्वाद भी अपना छोड़े। अब लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये फिश जो है लगभग 750 ग्राम तक ये फिश है और आप देख रहे हैं कितना नमक हम डाल रहे हैं। लगभग 1 चम्मच हमने डाला है, 1 से थोड़ा सा कम ही था। और ये है बेसन, इसको भी हम अंदाजे के मुताबिक डालेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच। और दोस्तों लगभग 1 चम्मच हम देगी मिर्च अब इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा इसे कलर बहुत शानदार हो जाता है। ये है काली मिर्च का पाउडर और ये है लेमन, आधा नींबू जिसको हम निचोड़ रहे हैं। और अब दोनों हाथों से इसे मिक्स कर लें ताकि जो आपने ये पेस्ट बनाया है इसकी जो लेयर है, इसकी जो सतह है, ये हर फिश के पीस को पकड़ ले अच्छी तरह, इसके अंदर रच जाए। और ये मिक्स करने के बाद देखिए कितना शानदार इसका रंग हो गया है। और थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि इसका जो मटेरियल इसके अंदर लगा है ये इसके अंदर रच जाए और इसको थोड़ा सा धीरे धीरे इसके अंदर खुशबू भी दे और जो मसाला है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। दोस्तों फिश की ग्रेवी के लिए अभी हमने क्या किया है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 3 प्याज हैं जिसके अंदर मिर्च को हमने काट करके इसको इसके अंदर हमने मैश कर लिया है। और ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये है टमाटर, ये है धनिया। और ये जो फ्रिज के अंदर हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको रखा था वही हम फिश के पीसेस निकालें। तो दोस्तों ये सरसों का जो तेल है हमने इसको पूरी तरीके से फ्राई पैन की सरफेस के ऊपर मिक्स कर दिया है ताकि चिकनाहट रहे और ये जो हम फिश के पीसेस हैं इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा चिकनाहट इसको दे पाए। और अब हमने जो फिश के पीसेस हैं इसको डालना शुरू कर दिया है। ऑयल के ऊपर ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाने दें, भुन जाने दें इसको और उसके बाद में हम इस तरीके से एक एक पीस को इसके ऊपर रखते हुए जाएंगे। ये तो किचन की ना दोस्तों आवाज है चढ़ चढ़ पड़ पड़ की, ये बड़ी ही जबरदस्त लगती है, इससे एकदम से पेट में चूहे चूहे लग पड़ते हैं। टाइमिंग दोस्तों एग्जैक्टली 4 से 5 मिनट आपने इसको इसके ऊपर ऑयल के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करना है और उसके बाद हम इसको यहाँ से हटा देंगे। फिर इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और फिर अगली साइड भी हम 4 से 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे। दोस्तों इस फिश करी की जो खासियत है वो ये कि हम इसको इस लोहे की आयरन की कढ़ाई में बनाने वाले हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसी किसी नॉन वेज डिश को बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, इसका जो स्वाद है वो बहुत अलग होगा। और ये अब हम इसकी लेयर को इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं और देखिए जो जिस साइड से ये गर्म हो चुकी है, भुन चुकी है थोड़ी सी, वो एकदम ब्लैक कलर हो गया है जो कि देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है। तो यकीन मानिए ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होने वाला है। ये है इसकी पूंछ और ये जो फिश रोहू होती है ना ये बहुत ही शानदार होती है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि अगर आपके गले के नीचे भी उतरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये देखिए इसकी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है और हमने जो ये भुन गए थे ऑयल जिसमें लगा लिया था इसको हमने अलग कर दिया। सरसों का तेल लगभग 1 कड़छी हमने डाल दिया है इस कढ़ाई के अंदर और
और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे सरसों के तेल को, जिसके अंदर हम डालने वाले हैं अपने पूरे के पूरे मसाले को। खुशबू आना शुरू हो चुकी है और सबसे पहले हमने जीरा इसमें डाल दिया है और अब लहसुन और अदरक का पेस्ट कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं, जिसके अंदर पहले से हमने सरसों का तेल डाला था जो कि गर्म हो चुका था। थोड़ा सा हिलाएंगे इस जीरे को और अदरक लहसुन के पेस्ट को और आप डालने वाले हैं थोड़ा सा हींग। देखते जाइए आप कितना हींग हम डालने वाले हैं, लगभग एक चम्मच से थोड़ा सा कम है ये हींग डाल देंगे। इससे थोड़ी सी खुशबू और हमारे पेट के डाइजेशन के लिए भी बहुत लाभदायक है ये। और ये बाकी के मसाले हैं, आप देख सकते हैं जो हम इसको डालेंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे इसको ब्राउन, इसका जैसे ही कलर एक थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो ये बहुत शानदार लगता है। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं प्याज के पेस्ट को, जिसमें हमने हरी मिर्च को काट करके डाला हुआ है। स्वाद बहुत लाजवाब होता है इसे, लाएंगे थोड़ा सा इसको ताकि जो पहले हमारा पेस्ट था उसमें भी ढंग से घुल जाए और सरसों के तेल को भी अपने अंदर ये सोख ले। दोस्तों ये आप देख सकते हैं प्याज का जो पेस्ट है ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। जैसे ही ये ब्राउन होगा उसके बाद हम इसमें टमाटो का पेस्ट, धनिया और उसके बाद में फिश को डाल देंगे कढ़ाई में और पानी डालेंगे। और उसके बाद में ये ब्लैक पेपर, मीट मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ी देर हिलाएंगे और बनके तैयार होगी हमारी फिश कड़ी। दोस्तों फिश कड़ी बन गई है और देखिए इसका रंग और इसका स्वाद, हाँ, इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त है, चटकेदार है ये। और अब ये जब बनेगा एक बार जरा कड़छी मार के दिखाएं इसमें, ये देखिए, ये देखिए, ये वो ग्रेवी बनी है जिसको आप राइस के साथ खाएंगे ना, एक पीस हो बस और थोड़ी सी ग्रेवी और बासमती राइस और थोड़ा सा प्याज नींबू के साथ जबरदस्त मजा देगा। थोड़ा पानी का मजा है, थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे। और दोस्तों ये है बनके तैयार फिश कड़ी, नॉर्थ इंडिया पंजाबी हिमाचली स्टाइल में। धन्यवाद।